अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों एंड वेलकम बैक टू मरियम एंड नौशू चैनल। सो आप लोग कैसे हैं, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। सो जल्दी से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही इजी मेकअप ट्यूटोरियल जो आप लोग इजीली कर सकते हैं, आप लोगों को पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग लगाएंगे फाउंडेशन। सो फ्रेंड्स, मेरी एक्ने प्रोन स्किन है, सो अभी मैं मेकअप को थोड़ा अवॉइड कर रही हूँ। सो जस्ट मैंने ये पॉरलेस एक फाउंडेशन है मेबलिन का, सो वो मैं लगाऊंगी अपने फेस पर। और फ्रेंड्स, ये आप लोगों के पास जो भी फाउंडेशन हो आप लोग वो लगा सकते हैं। और ये ज़्यादा हाई कवरेज नहीं है फाउंडेशन, ये बिल्कुल लाइट सा है। और अगर आपके डार्क सर्कल्स हो रहे हैं तो आप लोग कंसीलर लगाएं पहले, फिर फाउंडेशन लगाएं। सो फ्रेंड्स, ये जस्ट बेसिक मेकअप मैं आपको सिखा रही हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आपको और भी टेक्निक सिखाऊंगी मेकअप की। सो हमने आईज को अपनी प्राइम कर लिया है और अब मैं यूज़ करूँगी पाउडर। और आप लोगों के पास जो भी पाउडर हो आप लोग वो यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट स्टेप जो है कंप्लीट हो गया है। अब हम जाते हैं अपने आई मेकअप की तरफ, वो भी बहुत इजी स्टेप मैं आपको सिखाऊंगी। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम अपनी आईब्रोज करेंगे। आपके पास अगर जेल लाइनर है ब्राउन, या आपके पास कोई भी ब्राउन शेड हो डार्क ब्राउन, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं आई शेडो में से। आपने कट ब्रश लेना है और कट ब्रश की मदद से ऊपर आईब्रोज के जो ऊपर है और नीचे की जो लाइन है ना, आपने पहले उसको प्रोमिनेंट करना है। उधर आपने लगाना है, एक लाइन सी बना देनी है और देन उसको ब्लेंड करना है और फिल कर देना है उसको। सो फ्रेंड्स, एक आईब्रोज हमारी हो गई है कंप्लीट। अब हमने कोई भी सिल्वर शेड लेना है अपनी पैलेट से और आपने ब्रो बोन को हाईलाइट करना है अच्छी तरह से और उसको ब्लेंड कर देना है ब्लेंडिंग ब्रश से। और फ्रेंड्स, अगर आपके पास ब्लेंडिंग ब्रश है तो आप ब्लेंडिंग ब्रश से उसको ब्लेंड कर दें, या फिर आप फिंगर से भी आप इसको ब्लेंड कर सकते हैं। और फिंगर से बहुत अच्छा ब्लेंड होता है और प्रेशर ज़्यादा नहीं लगाना है, बिल्कुल हल्के हाथ से आपने ब्लेंड करना है। और कॉर्नर पर भी आपने सिल्वर शेड को लगाना है, अच्छे से ब्लेंड करना है लाइट लाइट सा। देन फ्रेंड्स, आपने देखना है कि आपका क्लाइंट का या आपका ड्रेस जो है वो कौन से कलर का है, और अगर वो लाइट कलर का है या उसमें कोई ऐसा लाइट काम हुआ हुआ है, या फिर कोई डार्क कलर्स भी कुछ होते हैं जो आई बॉल पर बहुत अच्छे लगते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने पर्पल ड्रेस पहना है, सो मैंने पर्पल कलर लेकर वो मैंने अपनी आई बॉल पर लगा रही हूँ। अपने पूरी आईलेट पर अपने लगाना है। और फ्रेंड्स, बहुत ही इजी ये मेकअप है, आप लोग ख़ुद भी बहुत ही इजीली कर सकते हैं। और अगर आप लोगों की शादी होने वाली है सो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा। और आप लोगों को जो भी पूछना हो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे। अब फ्रेंड्स, आपने एक ब्लेंडिंग ब्रश लेना है और आपके पास कोई भी पैलेट हो उसमें से आपने ऑरेंज शेड लेना है या फिर कोई लाइट ब्राउन शेड ले लें, और पिंक शेड भी आप लगा सकते हैं लाइट सा। और आपने ऐसे क्रीज पर आपने इसको अप्लाई करना है अच्छे से। एंड देन आपने फ्रेंड्स जो वाइट और जो ऑरेंज शेड आपने लगाया उसके बीच सेंटर में जो एक लाइन बन गई है उस लाइन को आपने सिर्फ ब्लेंड करना है ताकि वो बुरा ना लगे। आप चाहें तो सिल्वर कलर आप ले सकते हैं ब्रश में और उससे भी आप लोग ब्लेंड कर सकते हैं। सो अच्छे से आप लोग ब्लेंड करें, जितना अच्छा ब्लेंड होगा उतना ही आपका आई मेकअप जो है वो अच्छा लगेगा। सो नेक्स्ट हम अप्लाई करेंगे ग्लिटर। सो आप लोग पास जो भी ग्लिटर हो आप लोग वो लगा सकते हैं। मेरे पास है मिस रोज़ की ग्लिटर पैलेट और मैंने जो कलर लगाया है शेड उसके हिसाब से मैं लगाऊंगी। सो मेरा पर्पल ड्रेस है तो मैं पर्पल ही लगा रही हूँ। और ये सीलर है और सीलर का एक ड्रॉप लेंगे और ड्रॉप से हम अपने ब्रश को हम पहले ड्रॉप से टच करेंगे अच्छे से, देन हम ग्लिटर को लेकर अपने आईज पे लगाएंगे। और ये जो सीलर है ये है क्लाइजोना का।
तो फ्रेंड्स हमने इसको टैप टैप करके लगाना है और इसको आगे की तरफ लेके जाना है अच्छे से। फ्रेंड्स अब मैं अप्लाई करूँगी आई लाइनर। सो मेरे पास है क्रायलॉन का केक लाइनर, सो मैं वो लगाऊंगी और आपके पास जो भी आई लाइनर हो आप लोग वो लगा सकते हैं। जेल लाइनर भी आजकल बहुत इन है और वो भी बहुत बेस्ट लगते हैं। सो फ्रेंड्स आई मेकअप तो हो गया है कंप्लीट और आप लोग देखें कितना प्यारा लग रहा है और कमेंट करके भी बताएं हमें। अब मैं अप्लाई करूंगी मस्कारा और मेरे पास है मैबलिन का मस्कारा, सो मैं वही अप्लाई करूंगी और ये बहुत बहुत बेस्ट है। और जो मैबलिन का जो मस्कारा है इसको लगाने के बाद आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती है आईलैशेस लगाने की। अब हम कर लेंगे फ्रेंड्स अपने बेस को फ्रेश ताकि जो भी हमारे फेस पर शेड वगैरह गिरा हो वो भी हट जाए। और फ्रेंड्स मेरे पास जो ये फेस पाउडर है ये बहुत पिगमेंटेड है। आप लोग ग्लैमरस फेस का फेस पाउडर ले लें, वो भी बहुत हाई कवरेज है और बहुत बेस्ट है। अब हम नोज़ को कंटूर करेंगे। क्रिस्टीन की पैलेट है ये कंटूरिंग पैलेट और इससे हम करेंगे अपनी नोज़ को कंटूर। फ्रेंड्स अब हम ब्लश ऑन अप्लाई करेंगे और ये मेरा बेस्ट ब्लश ऑन है और मुझे बहुत अच्छा लगता है पिंक पिंक चीक्स पर लगाना। अब हम लगाएंगे हमारी ड्रेस से मैचिंग लिपस्टिक और पहले हम अपने लिप्स को आउटलाइन से प्रोमिनेंट कर लेंगे एंड देन हम ब्रश से अपनी लिपस्टिक को अप्लाई करेंगे। सो फ्रेंड्स हमारा मेकअप डन हो गया है और आप लोग बताएं आप लोगों को कैसी लग रही हूँ मैं। और अगर आप लोगों को मेरा मेकअप अच्छा लगा सो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और जल्दी से हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और फ्रेंड्स अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और ये है मेरा फाइनल लुक और बहुत सारी लाइक्स कर दीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। बाय।